और अब बात मुंबई की, जहां मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में महिला पत्रकार से गैंगरेप के मामले में आज फैसला आ सकता है। इसके अलावा शक्ति मिल में ही एक और महिला से हुए गैंगरेप मामले में भी आज फैसला आएगा। पिछले साल 22 अगस्त को महिला पत्रकार के साथ शक्ति मिल में हुए गैंगरेप मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप मामले में पूरे 8 महीने के बाद फैसला आने वाला है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। इस मामले की जांच के दौरान ही मुंबई पुलिस को पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही एक और गैंगरेप को अंजाम दिया है। को जब हमने इंटरोगेट किया और हमें पता चला कि ये लोग उसी एरिया में घूम रहे हैं और उसी एरिया में उनकी इलीगल एक्टिविटीज चलती रहती है, ड्रग एडिक्शन वगैरह, तो हमने उस एंगल से भी उनको हमने पूछा कि आपने पहले ऐसा कुछ किया है। इंटरोगेशन में ये पता चला कि उन्होंने ये पहले भी किया है और जो पीड़ित महिला थी उनको भी एक करेज मिला, एक साहस मिली कि वो आगे आए, तो वो खुद आगे आई हमारे पास, उन्होंने अप्रोच किया, तो हमने वो सेकंड FIR जो एक्चुअली फर्स्ट इन टाइम था मगर सेकंड इन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन था। दूसरे मामले में पीड़ित एक टेलीफोन ऑपरेटर थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच एक साथ शुरू की और दोनों मामलों में चार्जशीट भी फाइल कर दी। 5 महीने के ट्रायल चलने के बाद आज इस पर फैसला आने वाला है।